अगर आपको इंस्टेंट कुछ क्रेडिट्स की जरूरत है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, सबसे कमाल की चीज़ है। यानी इसको आप पे लेटर आप समझ सकते हो। कहीं ना कहीं आज के डेट में हर किसी को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर ट्राई करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कुछ कैश आपको देखने को मिल जाता है जो कि अपने अकाउंट के अंदर डिस्बर्स करा सकते हो। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि उसको आज यूज करते हो तो नेक्स्ट मंथ जो है उसको फुल पेमेंट आपको करने की जरूरत पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आप आसानी के साथ उसका जो ईएमआई है एक साल तक का उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपको दोस्तों यहाँ पे लिमिट मिलता है। इसका मतलब दोस्तों आप आसानी के साथ इसे पे लेटर में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। यानी सपोज करो आपके 50,000 का लिमिट मिला है तो उसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो 12 महीने के लिए, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों ए टू जेड यहां पे कवर करने वाला हूं। बहुत सारे लोग जो है सेल्फी में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ अप्रूवल मिलने से भी रिजेक्ट हो जाता है। पैन कार्ड और सिर्फ आधार कार्ड के मदद से, इसमें कोई भी सिविल बेसिस ऑप्शन नहीं है, सिंपली पैन कार्ड और आधार कार्ड के मदद से और अपना सेल्फी अपलोड करके इजीली अपना यहां पे जो क्रेडिट लिमिट है दोस्तों देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा यूनिक। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा कमाल का है। सिंपली यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करना है, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है इसको रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। साथ में दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन मांगेगा, बोल रहा है नेक्स्ट करने के लिए, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, अलाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे, अलाउ 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 जो भी यहाँ पे परमिशन मांगेगा उसको दे देना है। अब दोस्तों कुछ देख सकते हो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा। साथ में यहाँ पे लोन अमाउंट जो है 50,000 तक आपको मिलने वाला है। बैंक में जो ट्रांसफर जो है 12 मंथ का ईएमआई बना के जो है आप आसानी के साथ 48,300 रुपये अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों है यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ परमिशन जो है कुछ रिक्वेस्ट कुछ आपका आईडी वगैरह यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। क्या ऐसा प्रोसीजर है, अगर आपको इंस्टेंट कुछ क्रेडिट्स की जरूरत है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, सबसे कमाल की चीज़ है। यानी इसको आप पे लेटर आप समझ सकते हो, ये पे लेटर तरीके है। और जो आपका पर मंथ जो आपका इंटरेस्ट लगने वाला है 0.92 रुपीज़ के करीब लगने वाला है, यानी कि 92 पैसा आपको लगेगा, ठीक है। और एनुअल इंटरेस्ट जो देख सकते हो जो यहाँ पे 5,581 रुपये लगेगा, यानी कि अगर आपको 50,000 रुपये मिलता है जिसपे आपको 5,581 रुपये जो है आपको टोटल इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। कुछ ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक है, एवरेज में है। तो इससे आप अपना जो भी काम है, जो फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो इस चीज़ का ले सकते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपली क्या करना है, रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, डालने के बाद सिंपली अपना ओटीपी पे यहाँ पे डालना है और डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, सिंपली फिर से रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हो, आधार कार्ड और पैन कार्ड का यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेना है। देख सकते हो इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर क्लियर नॉट ब्लर, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करो तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। कोई भी डिटेल जो है अगर सही तरीके से नहीं भरते हो तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे बंद हो सकता है, आपका आगे का प्रोसेस यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सही सही आपको जो भी चीजें यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद अपना यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट और बैक अपलोड करेंगे, पैन कार्ड का फ्रंट अपलोड करेंगे, साथ में यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर नाम होगा, उसके बाद साथ आपका आधार नंबर होगा, आपका पैन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करके शो करना स्टार्ट कर देगा आपका एड्रेस के साथ, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी सिंपली अपने अपने हिसाब से यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे दोस्तों। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका एड्रेस जो है यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। सब कुछ अगर सही है दोस्तों तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके एक सेल्फी जो है दोस्तों यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप सेल्फी जो है यहाँ पे ले लेना है। जब भी फोटो कैप्चर करोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी कैप्चर का ऑप्शन नहीं आएगा, अपने आंख को ब्लिंक करना है, 30 डिग्री पे आपका जो हेड है उसको टर्न करेंगे, ऑटोमेटिक आपका फोटो जो है दोस्तों कैप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। सिंपली करना क्या है, रिलेशनशिप जो है क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसका यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यानी कि अभी होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं लोन ले लेते हैं और उसका जो है ईएमआई जो है टाइमली नहीं पेमेंट कर पाते हैं, तो होता क्या है और मोबाइल भी बंद कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे उसके लिए रिलेशनशिप वाले को नंबर लेते हैं जिससे कि वो बात कर सकें और उनका जो भी ईएमआई वो ड्यूज क्लियर करवा सकें। तो सिंपली रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, किसका नंबर आप देना चाहते हो, फ्रेंड है, सोन है, डॉटर है, फादर है, मदर है, तो सिंपली आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका नंबर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकाउंट से जिसका भी यहाँ पे नंबर आप ऐड करना चाहते हो, उसी तरीके से सेकंड वाले को भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन, यानी ये आपका जो बैंक डिटेल्स है, यानी कि जो भी आपका पेमेंट मिलता है किस बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपली अपना बैंक नेम यहाँ पे जो है दोस्तों क्लिक करेंगे और अपना बैंक नेम जो है दोस्तों यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। साथ दोस्तों अपना बेनिफिशियरी नेम डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पे होगा, उसके बाद आप आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालना है, डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके
आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि सुपर कॉइन जो है यहाँ लोन अमाउंट ज्वाइंट फुली ऑफर्ड बाय द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स, माने इन दोनों की तरफ से यहाँ पे मिल रहा है, 2000 इनसे मिल रहा है, 2000 इनसे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों है 4000 रुपया मेरे को यहाँ पे देख सकते हो कि मिलना स्टार्ट हो चुका है, जो कि मेरे को अमाउंट रिसीप्ट जो होगा दोस्तों यहाँ पे 2408 रुपया होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे जो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा एक हफ्ते के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो 3 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए। तो आप इस अमाउंट को लेने के बाद अगर आप कंटिन्यू इसे यूज करते हो तो 2 मंथ, 3 मंथ, 1 साल का, 3 साल तक का आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोन नाउ का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको दोस्तों क्लिक कर लेना है, लेना है तो उसके पास यहाँ पे चेक डिटेल्स का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हो कि आपका जो अकाउंट है अंडर अप्रूवल के अंदर चला जाएगा, ये जैसे अप्रूव्ड होगा ऑटोमेटिक जो होगा दोस्तों आपको केवाईसी करना पड़ेगा यहीं से, और आपका अकाउंट में दोस्तों जो भी पेमेंट होगा आपका चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसा बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।